ಆರೋಗ್ಯ ಜಾಗೃತಿ. आज शहर में स्वर्गीय गोपीनाथ जी मुंडे इनके जयंती के उपलक्ष्य में भव्य रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस रक्तदान शिविर का आयोजन शहर के दही फड़े हॉस्पिटल में हुआ। इस कार्यक्रम के संयोजक डॉक्टर विजय दही फड़े, डॉक्टर उज्ज्वला दही फड़े और इनको सहकार्य लॉयंस ग्रुप के लॉयंस ब्लड बैंक का मिला है। इनकी ओर से प्रतिनिधित्व कर रहे हैं परवेज वीरानी। दोस्तों, डॉक्टर उज्ज्वला दही फड़े शहर की बहुत ही जानी मानी कॉस्मेटिक सर्जन है। ये हमारे शहर का ही नहीं बल्कि पूरे मराठवाड़ा का नाम विदेश तक ले गई। ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। ये हमेशा सोशल काम में सबसे आगे खड़ी नजर आती है। आरोग्य जागृति के कई एपिसोड में हमने पहले भी दिखाया कैसे वो छोटे बच्चों के होंठ का ऑपरेशन शिविर के माध्यम से मुफ्त कराती है, उन बच्चों के माता पिताओं को बच्चों के तकलीफ से मुक्त कराती है। दही फड़े मैम की माने तो वो कहती हैं, हम इस समाज का हिस्सा है, इस समाज की मदद करना ये हमारा पहला हक है। दोस्तों, पिछले 5 साल से उज्ज्वला दही फड़े मैम इसी तरह ब्लड डोनेशन कैंप लेती है। हर बार करीब 100 डोनर इनके शिविर का हिस्सा बनते हैं, लेकिन इस साल ये आंकड़ा 100 को भी पार कर गया और हर साल ये शिविर निरंतर करेंगी ये भी बताया। मैं डॉक्टर उज्ज्वला दही फड़े प्लास्टिक कॉस्मेटिक एंड लेजर सर्जन औरंगाबाद में हूँ। लास्ट 12 साल से औरंगाबाद में प्रैक्टिस करती हूँ। बेसिकली मैक्सिमम कॉस्मेटिक सर्जरी करती हूँ, उसी के साथ में जैसा कि क्लेफ लिप एंड क्लेफ पैलेट है उन वो बच्चों के लिए लास्ट 10 साल से काम कर रही हूँ। 4000 से भी ज़्यादा क्लेफ लिप एंड क्लेफ पैलेट के ऑपरेशंस किए हैं। ये सब सर्जरीज फ्री ऑफ कॉस्ट रहते हैं और ये जो बच्चे रहते हैं ये लो सोशो इकोनॉमिक क्लास के बच्चे रहते हैं जिनके घर में सच में गरीबी है, मम्मी डैडी को खाना नहीं मिलता है, ऐसे बच्चे रहते हैं और ऐसे बच्चों के लिए फ्री काम करना बहुत अहमियत रखता है और एक मॉरल एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बोल के मैं ये बच्चों के लिए काम करती हूँ। और मैं इसकी इंटरनेशनल फैकल्टी भी हूँ, बाहर सिर्फ औरंगाबाद में ही नहीं, पूरा महाराष्ट्र, ऑल ओवर इंडिया एंड आउट ऑफ इंडिया जाके भी ये बच्चों के लिए मैं काम करती हूँ। दूसरा, कॉस्मेटिक सर्जरी में जैसा कि नाक का शेप चेंज करना है, चर्बी कम करना है, लेडीज़ के जो ब्रेस्ट के प्रॉब्लम रहते हैं, इतना ही नहीं तो आजकल जो जेनिटल रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स है फीमेल्स के, उसके लिए काम कर रही हूँ। और इसी के साथ में लेज़र, अपने पास पूरे लेज़र्स है, इंडिया लॉन्ग है, शॉर्ट है, IPL है, उसके बाद एंडोवेनस लेज़र है, स्किन रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स है लेज़र के वो सब अपने पास होते हैं। और इसी के साथ में जितना भी प्लास्टिक सर्जरी के है, जैसा कि बर्न्स है, ट्रॉमा है, एक्सीडेंट के केसेस है, ऑल कंजेनेटल एनामलीज है, उनके लिए भी करती हूँ। 10 साल से एक सेवाभावी या सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बोल के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में ऑनररी एसोसिएट प्रोफेसर हूँ और वहाँ पे हफ्ते में 2 बार जाके एक दिन ऑपरेशन थिएटर, एक दिन OT और एक दिन OPD करती हूँ। और दूसरा, इसी के साथ में एक सोशल एक्टिविटी बोल के लास्ट 4 साल से मैं स्वर्गवासी गोपीनाथ राव जी मुंडे साहब के बर्थ एनिवर्सरी के नाम से और दही फड़े हॉस्पिटल एंड लाइन्स ब्लड बैंक के नियोजन से हम लोग ब्लड डोनेशन कैंप लेते हैं। और एज अ डॉक्टर ब्लड डोनेशन कैंप एक अच्छी एक्टिविटी है और जो लोग ज़रूरतमंद लोगों के लिए ब्लड डोनेट करना और उनका लाइफ सेव करना एक बहुत बड़ी बात है। और आज मैं युवा लोगों के लिए ये बोलना चाहती हूँ कि जितना आप आगे बढ़ सकते हो और जितना लोगों के लिए ब्लड डोनेट कर सकते हो करना चाहिए। और ये एक उनके लिए ये है मोटिवेशनल रीज़न है। फर्स्ट टाइम हमने जब ब्लड डोनेशन किया था वो टाइम पे 30+ लोग थे, उसके नेक्स्ट ईयर हम लोगों ने 50+ लोगों के लिए किया, हर टाइम कम से कम 20-20 लोगों का, 20-22 लोगों का बढ़ती है। और ये टाइम पे हमारा टारगेट है 100+ ब्लड डोनेशन बॉटल्स। और सिर्फ यही नहीं, लेकिन जितने भी मेरे पास पेशेंट आते हैं या जो भी मेरे पहचान वाले हैं उनको ये करके हम लोग ब्लड डोनेशन करने के लिए एक्टिवेट करते हैं। आप सबके लिए मालूम है ब्लड डोनेशन इज़ द सबसे सर्वश्रेष्ठ दान है। और ये हम बोल के, और इतना ही नहीं कि उनके ब्लड डोनेशन के बारे में जो लोगों को मिथ्स है या जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है, मिसकंसेप्शन है, वो सब क्लियर कराना बहुत ज़रूरी है। और
जैसा एक डॉक्टर बोल के मैं करती हूँ, बाकी के डॉक्टर्स को हम कंपलसरी नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक सोशल एक्टिविटी बोल के ये चीज़ करना बहुत ज़रूरी है सोसाइटी के लिए और अपने लिए भी। मैं पिछले 10 साल शासकीय रुग्णालय घाटी में भी लायंस ब्लड बैंक में इंचार्ज बोल के काम किया हूँ, लेकिन वहाँ पे वो शासकीय रक्तपीढ़ी होने के नाते रक्तदाता जल्दी से तैयार नहीं होते, लेकिन जो वहाँ पे ब्लड डोनेशन बड़े बड़े कैंप होते हैं उसमें से ही उनको ब्लड दिया जाता है। वहाँ पर भी हमने ये संदेश देने की कोशिश की है कि अगर आप ब्लड डोनेट नहीं करोगे तो आपको ब्लड मिलना दिक्कत हो जाएगी, लेकिन वहाँ पर आने वाले पेशेंट भी बहुत होते हैं, लेकिन हमारा पेशेंट के रिलेटिव से कॉन्टैक्ट नहीं होता, इसलिए वहाँ पर रिलेटिव ब्लड रक्तदान करने के लिए आगे नहीं आते। प्राइवेट ब्लड बैंक में और स्पेशली लायंस ब्लड बैंक में काम करते समय मुझे लायंस ब्लड बैंक के जितने भी पदाधिकारी है, जितने भी मेंबर है, उनके जितने भी कांटेक्ट है, उनके जितने भी कांटेक्ट हॉस्पिटल्स है, इनका मुझे बहुत सहकार्य मिलता है, और इसी कारण लायंस ब्लड बैंक में रक्तदान शिविर आयोजन के लिए और रक्त पुरोठा स्टॉप करने के लिए मुझे ज़्यादा दिक्कतें नहीं जाती। मैं 2 साल से ब्लड देता हूँ स्वर्गीय गोपीनाथ जी मुंडे साहब के जयंती के दिन। मैं तो इसको जयंती नहीं समझूंगा, क्योंकि आज भी वो हमारे लिए, हमारे युवकों में प्रेरणा स्थान, ऊर्जा स्थान, और हमारे जैसे गरीब बच्चों जो कि कुछ फील्ड में बनना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो उनके लिए आज भी वो प्रेरणा स्थान है। और हमारे अंदर उनका जो जुनून है कि वो जो विकास काम रहते हैं, जो छोटे छोटे, वो हमारे अंदर आज भी उनके जिंदा है, उनके कामों के प्रेरित, इससे हम प्रेरणा लेके कुछ ना कुछ, जैसे कि डॉक्टर उज्ज्वला देवपले मैम ने जो ये उपक्रम चालू किया है, हमें बहुत खुशी होती है कि उन्होंने उस उपक्रम में हमें शामिल किया है। तो मैं भी पिछले साल डर रहा था कि मैं ब्लड कभी नहीं दिया। मैम ने पहली बार मेरे को कन्विंस किया कि यार कुछ नहीं होता, चल दे, और मैंने कैसा कि उनके ऊपर हम तो भरोसा कर सकते हैं, तो डॉक्टर है, उसके बाद वो उनके सोशल एक्टिविटी अच्छी है, हमने सुना था सब बच्चों ने, तो उन्होंने हमें कहा कि कुछ नहीं होता। मैंने पिछले साल पहली बार किया, और इस साल तो मैं बॉम्बे में था, मैम का फ़ोन आ गया, तो मैंने 2 दिन की मेरा काम था वो कैंसिल करके आज मैं यहाँ पर आ गया। और सब ये पूरे बच्चे हैं तो बहुत बहुत भी डरते थे, लेकिन उन्होंने बहुत जनों ने पहली बार ही किया यहाँ पे, तो मैम के इस उपक्रम में हमें उन्होंने शामिल किया, इस अच्छे काम के लिए उन्होंने शामिल किया, इसलिए मैं उनका भी धन्यवाद देता हूँ। और हम जब तक मैम ये कैंप लेती रहेंगी तब तक हम हर साल कहाँ भी होंगे इस कैंप के लिए आएंगे। इतना ही मैं कह सकता, हमने आज तक देखा कि बहुत बार ऐसा रहता कि ब्लड की बहुत ज़रूरत रही थी और कहाँ पे ब्लड नहीं मिलता, और इस वजह से बहुत लोगों की जान जाती। और मैम ने हमें जो समझाया कि ये जितनी बार आप देंगे उतनी बार आता रहेगा और अच्छा आता रहेगा, तो ये बात हमारे ख्याल में आ गई, और हर बच्चों ने देना चाहिए। मैम ने अभी बोला कि रक्तदान सर्वश्रेष्ठ दान, तो पुण्य का काम हो रहा है अपने हाथ से, तो ये सब बच्चों ने करना चाहिए, ये मेरी सबसे विनंती है और रिक्वेस्ट भी है। सर, अगले साल में आप क्या प्लान करना चाहेंगे कि आज हमने 100 लोगों को जमा किया, अगले साल हमने 1000 को, ऐसा क्या उद्देश्य है आपका? ये तो है, लेकिन कैसा है कि जिनको कन्विंस कर सकते हैं हर एक को, इस साल थोड़ी सी कम तैयारी हो गई, अगले साल तो हम 15-20 दिन पहले जाके हर एक बच्चों को कॉलेज में जाके समझाएंगे, उनको ही हम यहाँ पे कन्विंस करेंगे कि आप आ जाओ, इस सर्वश्रद्धा ने इस पुण्य के काम में आप भी शामिल हो जाओ, तो कर लेंगे।